नंबर 10 पे मैं रखने वाला हूँ अंधाधुन, 2018 की फिल्म है, आयुष्मान खुराना की फिल्म थी और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। और अगर आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप की फिल्में पसंद आती है तो ये फिल्म इंडिया में से टॉप बेस्ट फिल्मों में से आती है और रमन राघव जी ने इसे डायरेक्ट किया था। बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एक बंदा होता है जो यार अंधा होने का प्रिटेंड करता है, बाहर के जो उसके कैरेक्टर्स को लगता है वो अंधा है बट एक्चुअल में अंधा नहीं होता है। तो बहुत कमाल की इसकी कहानी थी, डेफिनेटली चेकआउट करना। और नंबर 9 पे मैंने रखी है एक एनिमेटेड फिल्म। अगर आप एनिमेशन पसंद करते हैं डिज्नी के, पिक्सार के, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। मेरी शायद आपने देखी होगी, फिल्म का नाम है अलादीन और 1992 की ये फिल्म है। हर बंदे को ये फिल्म देखनी चाहिए यार, एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए। और यार अच्छी भी है, मतलब डिज्नी के वन ऑफ दी ना बेस्ट एनिमेशन थे ना, उसमें से अलादीन भी आती है। तो ये फिल्म आप चेकआउट करना। नंबर 8 पे मैंने रखी है द हेल्प। और हमारे इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको ना अमेरिका की जो प्रॉब्लम वहाँ चलती है, रंग भेद चलता है, जैसे यहाँ पे कास्टिज्म का इशू है, वहाँ पे भी बहुत सारे मसले हैं। तो शायद उस फिल्म को देख के ना आपको वहाँ की सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है पता चलेगी। ये कहानी ना उन कुछ औरतों के बारे में है जो एक ब्लैक औरतें होती हैं जो वाइट फैमिली जो होती है वहाँ पे काम करती है, तो उन्हीं की स्ट्रगल, उनके हरासमेंट और उनके बारे में कहानी है। तो काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है। 7 पे मैंने रखी है गाइस अगेन एक एनिमेशन वाली फिल्म। और कहानी आपने ना बहुत बार ऐसी सुनी होगी, एक एलियन आता है, फिर उसका दोस्त बन जाता है फ्रेंड, कोई मिल गया में और ईटी में और ट्रांसफॉर्मर में भी ऐसी कहानी है। बट यार ये एनिमेशन के फॉर्म में है और रेजोनेट करेगी कहानी। एनिमेशन अगेन आप पसंद करते हो तो ये फिल्म भी आपको बहुत पसंद आएगी। IMDb पे इसकी 8.2 से भी ज़्यादा की रेटिंग है, तो कोई रीज़न की वजह से है। तो ये फिल्म भी आप ज़रूर चेकआउट करना। गाइज अगर यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो देख चुके हो तो थैंक यू सो मच। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फैमिली या फ्रेंड्स में अगर जो मूवी बफ हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। गाइज नंबर 5 पे मैंने बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है, अगर आप डॉग लवर हैं तो डेफिनेटली भाई अलग लेवल पर ये फिल्म हिट करेगी। और यार जितनी भी बार मैंने ये फिल्म देखी है ना यार, मुझसे ना ये फिल्म देख नहीं जाती यार, इतना ज़्यादा ना इमोशनल कर देती है फिल्म। नंबर 5 पे है गाइज हाची अ डॉग्स टेल। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिल्म है और कहानी एक ऐसे डॉग के बारे में, इतना लॉयल होता है, उसका जो ओनर होता है उसकी डेथ हो जाती है और गाइस 10 साल तक वो ना जिस ट्रेन से जाता था वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के ना उसका वेट करता है, उसे लगता मरे नहीं है और 10 साल तक वेट करता है। ये ट्रू स्टोरी है जापान की। तो यार ये फिल्म ज़रूर देखना, बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म आपको। गाइज नंबर 4 पे मैंने ना एक एक्शन फिल्म रखी है और आपको ना एज ऑफ द सीट्स पे लगेगी अपने सब, क्योंकि प्रॉपर एक्शन भी है, Formula 1 रेसर्स के बारे में है, उनकी राइवलरी के बारे में है। दो रेसर्स होते हैं जेम्स हंट एंड निकी लोडा, उसके बारे में ये कहानी है। गाइज क्रिस हेम्सवर्थ ने इसमें अपना लीड रोल किया है और आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके एक्शन सीन्स, इसकी कहानी, इसका ड्रामा, इसका इमोशंस और कैसी लाइफ होती है एक Formula 1 रेसर की, वो आपको पता चलेगी कि आप कंपटीशन लेवल होता है, कितना स्ट्रेस होता है, ये सब चीज़ें इस फिल्म को देख के पता चलेगा आपको। तो ये फिल्म देखना। एंड नंबर 3 पे मैंने रखी एक इंडियन फिल्म और आई थिंक आपने शायद ये फिल्म देखी होगी, ये जय भीम फिल्म है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। सूर्य की ये फिल्म है और कहानी एक लॉयर के बारे में है और आपको देख के ना अलग लेवल पर शायद ये हिट करे। जो अभी सराउंडिंग हमारे आस पास आप सब देख रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, कितना इनजस्टिस हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो ये आपको फिल्म ना अलग लेवल पे हिट करेगी। एक बहुत ही मार्जिनल सोसाइटी से आए हुए बंदे के बारे में कहानी है जिसको ना गलत केस में फंसा देती है और ये बंदा जो लॉयर होता है सूर्या वो हेल्प करता है इसमें। तो ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये फिल्म देखना आप ज़रूर। एंड नंबर 2 पे मैंने एक हॉरर फिल्म रखी है और भाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म ऑफ ऑल टाइम। फिल्म का नाम है द एग्जॉस्टिस्ट। जब ये 70s के टाइम पे आई थी ना, अच्छे अच्छों की भाई हवा निकल गई थी। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो गाइज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको फिल्म ये कैसी लगी है। हाईली 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 रिकमेंडेड फिल्म है गाइज, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। और फिल्म ना बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड स्कोर, जंप स्केयर, उसके बारे में जो आप ट्रेडिशनल अभी लेटेस्ट फिल्में देखते हो ना, वैसी नहीं है गाइज। एकदम ना रियल एनवायरमेंट पे कहानी है और कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं होता और आपको ना माहौल से ही फिल्म डराती है। और लास्ट के 30 मिनट तो गाइज हिल जाओगे आप फिल्म देख के, और वन ऑफ द आइकॉनिक सीन्स में आते हैं वो। पहली फिल्म मैंने रखी है गाइज फोर्ड वर्सेस फरारी, नाम से ही पता चल गया होगा राइवल्स फोर्ड और फरारी की जो एक राइवलरी थी और जो स्टार्टिंग थी फोर्ड के बारे में, फरारी के बारे में, उसके बारे में कहानी है। क्रिश्चियन बेल ने इसमें रोल किया है,
ये फिल्म भी भाई बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा काम किया क्रिश्चियन बेल ने, और प्रॉपर ड्रामा फिल्म है, एक पूरी बैक स्टोरी है फोर्ड के बारे में, फरारी के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कार्स को लेके, बिजनेस को लेके, तो फिल्म भी भाई आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी, मज़ा आएगा फिल्म को देख के। तो गाइज ये टॉप 10 फिल्म की मैंने लिस्ट बनाई थी, ज़रूर बताना कौन सी फिल्म देखी है, और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा।